ने मटर चिकन पुलाव बनाई है और बहुत मज़ेदार बनाई है। किस तरह बनाई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने जल्दी से लाइक का बटन दबाना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए आइए तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुशोखुर्रम होंगे। तो आज क्या बन रहा है, आप गैस करें नहीं कर सकते? अच्छा, लेकिन देखची का साइज़ देख के तो आप समझ गए होंगे कि चावल ही बन रहे हैं यकीनन। ठीक है, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और मटर का पुलाव, लेकिन एक दूसरे तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनेगा। तो चिकन लिया है हमने आधा किलो, और चिकन के ना इस तरह छोटे छोटे से पीस लिए हैं, बड़ी बोटी नहीं रखी है। ठीक है, और आधा किलो ही मटर है, निकाल लिए आधा किलो मटर, छिलके निकाल लिए, दाने बचे हैं आधा किलो मटर। ठीक है, और आधा किलो चिकन है, ये हमने धो के अच्छी तरह इसको रख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हो रही है प्याज ब्राउन, तो तकरीबन एक कप घी मैंने लिया है। एक कप घी जी आप मुनासिब समझें, ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, जितना आप चावलों में पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के डाली है। ठीक है, और उसको मैं कर रही हूँ ब्राउन। अच्छा जी, प्याज जो है ना वो सुनहरी हो गया, और प्याज को जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने, क्योंकि हमने चावलों का कलर थोड़ा लाइट ही रखना है। तो यहाँ पर शामिल करते हैं एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, और इसको एक से डेढ़ मिनट फ्राई कर लेते हैं। अब चिकन और मटर जो है वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 4 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए, और ये भून गया है अच्छा सा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, और ये मसालों में है जी आधा चाय का चम्मच है हल्दी, आधी चाय का चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, एक खाने का चम्मच है दरा मिर्च, एक चाय का चम्मच है साबुत धनिया, एक चाय का चम्मच है फिलहाल नमक, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा है, और आधी चाय का चम्मच है पिसा हुआ गर्म मसाला। तो तमाम मसाले शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तमाम मसाले डाल दिए, अब इनको हम अच्छा सा भून लेंगे, 4 से 5 मिनट भूनेंगे अच्छा सा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा भून गया है। अब हम इसमें पानी लगाएंगे तकरीबन 6 गिलास, क्योंकि मैं 1.5 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैं इसमें 6 गिलास पानी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल कर दिया है हमने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सिरका, तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया हमने, और इसमें 7 चम्मच जो है चाय के वो मैं डालूंगी नमक। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नमक शामिल किया, उसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 2 चाय के चम्मच भर के। ठीक है, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और अब बॉयल आने देंगे ताकि हमारे मटर जो हैं इसमें वो अच्छा सा गल जाएं। तब तक हम चावल साफ़ करके भिगो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मटर भी गल गए हैं और चिकन भी गल गया है अच्छी तरह, और चावल मैंने भिगोए हुए थे, तो चावल हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चावल जो है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर आपसे तमाम चावल इसमें डाल दिए हैं और अच्छा सा मिक्स कर दिया है इसको। तो अब हम इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए हैं,
और ये देखें चावल जो है ना हमारे आ गए हैं दम पर, ठीक है। और अब हम चावलों को ना हिला के एक दफ़ा ऐसे, और बस अब हम इनको दम लगा रहे हैं। कपड़ा मैंने ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा बांध दिया है ताकि अच्छा सा दम लग जाए। और पहले 2 मिनट हम तेज़ आंच पर, फिर उसके बाद 5 से 6 मिनट हम स्लो फ्लेम पर इसको दम देंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं जी, तो उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है एकदम से, और पुलाव हमारी तैयार है। देखें चावल कितने खिले खिले से हैं। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और ये भी बताऊँगी कि इसके साथ हम क्या सर्व करेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पुलाव जो कह लें या स्पाइसी से चावल कह लें तैयार हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत मज़े की खुशबू है, सब बेचैन हैं खाने के लिए। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद जो है ना अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।